साइबेरिया रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे अजीब बात यह है कि पूरे क्षेत्र में केवल 20% रूसी लोग ही साइबेरिया में रहते हैं। रूस जिस तरह देखने में खूबसूरत है, उसी तरह यहाँ का मौसम भी है। रूस की खूबसूरती धरती पे जन्नत की तरह है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन इसका एक प्रांत ऐसा भी है जिसका नाम साइबेरिया है। इसका कारण यह है कि यहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी असामान्य हैं, जिसका कारण बेहद कम लोग ही यहाँ रहते हैं। आपको यह बता दें कि यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में ही रहता है। आसपोर के वाइल्ड लाइफ रिसर्च कंजर्वेशन यूनिट के एक स्रोतकर्ता कार्लोस डिकार के अनुसार विलुप्त कैप्सियन और आज के साइबेरियन बाघ सबसे नज़दीकी प्रजाति हैं। यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ही असामान्य और दर्दनाक है। जिस तरह यहाँ की परिस्थितियों में शिकारी चीता जिस तरह शिकार करने के लिए हिरणों का तैयार रहता है, इसी तरह चीता अपने शिकार पर चौकन्ने होकर नज़र रखता है और अपने शिकार को चट कर जाता है। अक्सर देखा गया है साइबेरियन भेड़िया, जो काफ़ी ही फुर्तीले होते हैं, लेकिन यहाँ की विषम परिस्थितियों में ये भी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। पर कुदरत ने इन्हें ऐसे बनाया है कि ये इतनी ठंड के मौसम में भी अपने आप को गर्म रखते हैं, जैसे ये बतख। भेड़िया बहुत ही चालाक और फुर्तीला शिकारी है, पर ये भी यहाँ के मौसम में असहाय महसूस करते हैं। साइबेरिया के हिरण गर्मी में घास, फूल, पत्ती और जाड़ा में पेड़ की टहनियाँ और छाल खा करते हैं।